लेकिन इंडिया में बस यही सोच है कि आप एस तक पहुंच गए तो यानी कि आपने बादल फाड़ दिया, आपने छप्पड़ फाड़ दिया, अब आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। कि जब 2012 में मैंने जिम की शुरुआत की तो उस वक्त ना तो अच्छा इंटरनेट हुआ करता था, ना ही लोकल जिम्स में किसी के पास अच्छी नॉलेज थी, और अगर किसी के पास थी भी तो कोई बताता नहीं था। दैट्स वाई आई वेंट टू द नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आफ्टर दैट 2013 में मैंने गोल्ड्स जिम यूनिवर्सिटी, उस वक्त हुआ करती थी, अब गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट हो गया है, वहाँ से भी एक कोर्स किया था। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ जिम ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर के कोर्स की, तो ऐसे फिलहाल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट की जद कपाड़िया जी की K11 फिटनेस एकेडमी, नेशनल स्ट्रेंथ साइंस एकेडमी, एक्सरसाइज साइंस एकेडमी, V7 फिटनेस एकेडमी, क्लासिक फिटनेस एकेडमी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सो ये सारी जो अकेडमी या इंस्टीट्यूट हैं ये आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, प्लस यही इंस्टीट्यूट और अकेडमी आपको इंटरनेशनल लेवल के कोर्स की प्रिपरेशन भी करवाती हैं। उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। सो आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग या जिम ट्रेनिंग को लेकर या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में अपना कोई सीरियसली कैरियर परस्यू नहीं करना चाहते हैं और आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए अपनी पर्सनल जिम में काउंटर पर पीछे लटकाने के लिए, या फिर जस्ट आपको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए स्टाइल मारने के लिए, देन यू कैन गो फॉर एनी नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन। आप चाहे वो कि जद कपाड़िया जी की K11 से करें या फिर आप किसी वेल नोन जो ब्रांड है जैसे कि गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट हो गया या फिर रिबॉक भी अपना एक कोर्स करवाता है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, तो आप चाहें तो उनसे कर लो, या फिर क्लासिक फिटनेस अकेडमी काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस वक्त, वहाँ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे केस में बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने कैरियर को लेकर फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, then I think you should not go for any national level certification। उस केस में आप international level के certification के साथ जाएँ, for example ACSM American College of Sports Medicine, ACE American Council on Exercise, या फिर NSCA National Strength and Conditioning Association, IOC की तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास बजट अच्छा है, which means International Olympic Committee, वो भी अपना एक certification provide करते हैं। तो देखिए जितने भी international organization हैं जो ये certification provide करती हैं, ये इन सब की अपने अपने field में अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिम ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर के कोर्स की, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है एस का, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का। विदाउट एनी डाउट पूरे वर्ल्ड में, इवन आप किसी भी जिम के अंदर चले जाना, गोल्ड्स जिम हो या फिर रिबॉक की जिम हो या फिर इवन साहिल खान जी की जिम हो, आपको विदाउट एनी डाउट वहाँ पे जॉब मिलेगी। नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास सिर्फ एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है और लेकिन आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पर आपके बगल वाला बंदा एक एस सर्टिफाइड ट्रेनर है, जो जिम का मालिक है या मैनेजर है, वो आपको साइड कर देगा, वो एस सर्टिफाइड ट्रेनर को ही एक्सेप्ट करेगा। दैट्स वाई एस सर्टिफाइड ट्रेनर की एक अलग वैल्यू है, अलग रेस्पेक्ट है, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे इंडिया के आप किसी जिम में चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ही अकेडमी और इंस्टीट्यूट जो आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे क्लासिक फिटनेस अकेडमी, K11 फिटनेस अकेडमी, ये ही आपको इंटरनेशनल लेवल के कोर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल एस के कोर्स के लिए आपको प्रिपरेशन करवाती हैं। और उसके बाद जब वो कोर्स हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद आपको एडिशनल फीस देनी पड़ती है एस को, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज को, तब आप उस एग्ज़ाम में एनरोल करते हो और उस एग्ज़ाम को आप जब क्रैक कर देते हो तब आपको एस सर्टिफिकेशन देता है। सो अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो मुश्किल से हद से हद 8 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। प्लस आप इंटरनेशनल लेवल का कोर्स करते हो इनमें से किसी भी एकेडमी से या इंस्टीट्यूट से, आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट तो ये इंस्टीट्यूट देंगे ही, प्लस में आपको इंटरनेशनल लेवल के कोर्स की प्रिपरेशन भी करवा के देंगे। तो उस केस में अगर आप चाहें तो नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट से आप किसी जिम में जॉब कर सकते हैं, और अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं है, मैं अभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा एस का जो एग्ज़ामिनेशन है, जो एग्ज़ाम है एस का, वो मैं अगर क्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो आप उस केस में जॉब करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जब रेडी कर लें तब आप फ़ीस भर दें, जो कि मेरे हिसाब से 18-20 हज़ार रुपये की फ़ीस होती है एस के एग्ज़ाम की, जो कि ऑफकोर्स एक रिस्क है अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, जब आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उस सर्टिफिकेट से आप किसी जिम में जॉब पकड़ लें, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो आप एस के एग्ज़ाम में एनरोल करें, वहाँ से तब आप उसको क्रैक करें, तब आपके पास जो है एस का सर्टिफिकेट आ जाएगा। और एस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आने के बाद में आपकी रेपुटेशन जो है, आपकी वैल्यू जो है, वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। आप किसी भी जिम में जाके आराम से कोई जॉब ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और साथ ही देखिए इंटरनेशनल कोर्सेज में, जैसे कि एस का कोर्स हो गया, उसमें आपको नेशनल लेवल का सारा कंटेंट तो मिलेगा ही, प्लस में आपको एडिशनल भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल वर्कआउट और फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज के अलावा आपको बेसिक लेवल के न्यूट्रिशन का एक अच्छा आइडिया वहाँ पर मिलेगा। साथ ही आपको यूथ फिटनेस, सीनियर सिटीजन फिटनेस, पोस्चर करेक्शन, स्पोर्ट्स इंजरी, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे ट्रेन करना है, एक हार्ट के पेशेंट को कैसे ट्रेन करना है, एसेट्रा एसेट्रा की आपको काफ़ी अच्छी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्सेज में आपकी सेल्स स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। साथ ही वहाँ पर आपको साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें बिजनेस स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, लॉ ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिल जाती हैं जो आपको नेशनल लेवल के कोर्स में सीखने को नहीं मिलती हैं। देखिए सिंपल सा है, आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रांच है या हेडक्वार्टर है वो आपकी नियरेस्ट सिटी में होना चाहिए, या आपकी सिटी में हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जॉब से रिलेटेड कोई क्वारी हो या फिर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, वो सारी चीज़ें जो फिजिकली क्लियर की जा सकती हैं वो डिजिटली नहीं की जा सकती। बेशक आपको एक्सरसाइज की वीडियो मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक फ़िजिकल सपोर्ट जो ब्रांच का है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही आप कॉल पे ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि सर अगर मुझे फिजिकली क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ी तो क्या वो उपलब्ध होंगी। अगर वो यस बोलते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप ऑनलाइन जा सकते हैं। फीस में लगभग 50% का आपको फ़ायदा है अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो। अच्छा जी, अब बात आती है कि क्या हमें इस कोर्स के दौरान कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉयड के ऊपर कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए वैसे तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड डॉक्टर का सब्जेक्ट है, फिटनेस ट्रेनर का ये सब्जेक्ट है ही नहीं। एस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन NSCA की जो बुक है उसमें 11th चैप्टर पूरी तरीके से स्टेरॉयड को लेकर डेडिकेटेड है, लेकिन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऐसा नहीं है कि आप उस बुक और सर्टिफिकेशन के बाद किसी को लीगली स्टेरॉयड दे सकते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और देखिए इंडिया में साथ ही एक दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा सोचता है कि पहले मैं नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट कर लूँ, उसके बाद मैं ACE का सर्टिफिकेट करूँगा, लेकिन वहीं एक बंदा जब US में होता है तो उसकी शुरुआत ही ACE के सर्टिफिकेट से होती है। उसके बाद वो बंदा धीरे धीरे जाके स्पेशलाइजेशन करता है, NSCA का कोर्स हो गया, जिसमें भी आपको जिस टॉपिक में भी आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि यार मैं यूथ फिटनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे तो पोस्चर करेक्शन में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे तो सीनियर सिटीजन फिटनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उस फील्ड में जाके वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। लेकिन इंडिया में बस यही सोच है कि आप ACE तक पहुंच गए तो यानी कि आपने बादल फाड़ दिया, आपने छप्पड़ फाड़ दिया, अब आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये एक मेंटालिटी है। हालांकि ACE बेसिक लेवल का ही कोर्स है, देखा जाए तो उसकी वैल्यू है, इंटरनेशनली काफ़ी वैल्यू है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ACE का सर्टिफिकेट लेके खड़े हो जाएं, आपको जॉब मिल जाएगी विदाउट एनी डाउट। या फिर आपको और भी कुछ डाउट और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।